नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी और अब वक्त है यमुनानगर के कुछ कम्युनिटी अपडेट्स का। करहेड़ा खुर्द स्थित गांव में बने एक गोदाम पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने छापा मारकर भारी संख्या में यूरिया खाद बरामद की है। गोदाम में करीब 1000 कट्टों का भंडारण किया गया है। इतनी बड़ी संख्या में यूरिया, नीम, कॉटेड खाद के कट्टे देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। वहीं गोदाम में दो महिंद्रा पिकअप गाड़ियां भी खड़ी मिली जिसमें यूरिया के कट्टे भरे हुए थे। अनुमान है कि बाहर बेचने के लिए गाड़ियां तैयार की जा रही थी। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की सूचना शायद पहले ही गोदाम मालिक तक पहुंचा चुके थे, इसलिए वह मौके से फरार होने में कामयाब रहा। प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के लिए CRPF के जवान गांव में पौधे लगाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार के ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत हरियाणा वन विभाग और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बीच समझौता MOU हुआ है। मिशन के तहत CRPF के जवान पिंजोर, मोरनी और यमुनानगर में औषधीय पौधे लगाएंगे। यहाँ के अलावा सोनीपत, गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद और नूह में भी इसी तरह पौधे लगाए जाएंगे। शहर की शर्मा कॉलोनी में कुछ युवकों ने एक घर में घुसकर एक युवक पर सरियों व लाठियों से हमला कर दिया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी 7 युवकों के खिलाफ केस दर्ज पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यमुनानगर 23 किलोमीटर लंबे कैल कलानोर रिंग रोड पर ओवरब्रिज और अंडरपास बनाने की पावर नेशनल हाईवे के अधिकारियों के पास आ गई है, लेकिन अब भी लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर PD बिना सरकार की अनुमति के अपने स्तर पर 10 अंडरपास और ओवरब्रिज बनवा सकते हैं, फिर भी अधिकारी ना तो अंडरपास बनवा रहे हैं और ना ही ओवरब्रिज। तो ये थे आज के यमुनानगर के कुछ कम्युनिटी अपडेट्स। ऐसे और अपडेट्स की जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए आप यस टीवी के साथ। नमस्कार।